हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो मुझे कुछ दिनों से दादा, जिस दिन से मैंने एक्टिव सावो पर सेल किया हूँ, तो उस दिन से कुछ कॉल आ रहे थे कि दादा एक्टिव सावो पर कनेक्ट कैसे करें। और सबसे बड़ी बात, डबल चैनल एक्टिव सावो पर हो तो उसके बी पीछे में जो ए स्पीकर आउट का ऑप्शन दिया होता है, फ्रॉम एम टू स्पीकर, तो इसका फंक्शन क्या है, तो इसे किस तरह से चलाएं? तो दादा मैं पहले बार आपको बता देता हूँ, आपके पास रिसीवर हो, एम्पलीफायर हो, एम्पलीफायर भी रिसीवर में आता है, तो जो कुछ भी हो तो उसके अंदर आपको आउटपुट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? यहाँ पर जिस तरह से आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है सबवूफर आउटपुट, ठीक है, सिंगल चैनल, ठीक है। तो इसके अंदर आप दो चैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद वाला जो मॉडल है उसके अंदर अंदर में आपको इस तरह से मिल जाता है, ठीक है, सबवूफर, ठीक है, प्री आउटपुट, जो ओनली आपका प्री आउटपुट में आता है वो, ये इस तरह से लेकर भी यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे तो सिंगल चैनल तो बचेगा, लेकिन डबल चैनल कैसे बचेगा? तो दादा कुछ कुछ एम्पलीफायर में डबल चैनल भी दिया होता है, ठीक है, ए पोर्ट दो दिया होता है, तो वो दो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, तो इससे आपका सबवूफर चलेगा, एम भी चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद में ये नीचे वाला पोर्शन का मेन फैक्ट है, जिसके बारे में मुझे बहुत सारी कॉल आ रहा था, ठीक है, तो मुझे जल्दी से जल्दी वीडियो करना पड़ा, फिर भी लेट हो गया वीडियो करने में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आर प्लस माइनस इनपुट आउटपुट नीचे पे दिया हुआ है, टू स्पीकर फ्रॉम एम्प, तो इसमें एक फंडा है, ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये लाइन बाईपास करता है, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एम्पलीफायर नहीं है। इसके अंदर जो एम्पलीफायर है उसमें आप सिर्फ इसका साबोफर ही चला सकते हो, ठीक है, साबोफर इससे चलेगा। और ये जो ऑप्शन दिया होता है ये टोटली बाईपास के लिए दिया होता है, ठीक है। किस तरह से बाईपास, देख लीजिए, यहाँ पे फ्रंट का स्पीकर हेड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप एक ये क्या कर सकते हो, यहाँ से दो वायर लगा के आप यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फ्रॉम एम, तो आप फ्रॉम एम पे लगा सकते हो, इस चैनल से भी लेके यहाँ पर भी आप लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो, तो दो दो चैनल आउटपुट हो गया। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आउटपुट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्ट करोगे मेन स्पीकर से एम की, जो अंदर जो है उसमें आप जब साउंड घटाएंगे बढ़ाएंगे, बहुत से ही साउंड घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आपसे आप कनेक्ट करेंगे, इसका जो आउटपुट है आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा, कोई ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा, ओनली ये आपका बाईपास है, ठीक है। यहाँ से लगाएंगे, यहाँ पर देंगे इस तरह, इस स्टेज में दोगे तो क्या होगा, इस तरफ से आपका एम्पलीफायर का जो इस एम्पलीफायर का जो प्रेशर है उसकी ही तरह बजेगा, सिर्फ ये आपका लाइन बाईपास करेगा, ठीक है। ये लाइन बाईपास का ऑप्शन है, इसका कोई एक्स्ट्रा एम्पलीफायर नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जे सबवूफर बजाने से ज़्यादा साउंड फट रहा है, साउंड अच्छा नहीं आ रहा, यहाँ से साउंड घटाना पड़ रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो दादा वो करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ, ये प्री आउटपुट है, तो इसका भी एक पावर है, जो ये पावर जब इसमें आता है सबवूफर के अंदर, तो इसके अंदर भी आपका हाई कट पुश वॉल्यूम बटन दिया होता है, ठीक है। तो आप इससे भी साउंड बढ़ाएंगे, एम्पलीफायर से भी साउंड बढ़ाएंगे, तो दोनों तरफ से जब साउंड इसमें ज़्यादा आएगा तो इसका जो सबवूफर है उसका भी एक क्वालिटी है, तो उसका कैपेसिटी जितना होगा उतना ही तो आपको देगा ये। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ज़रा बेस को कम ज़्यादा करके बजा सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर अलग से आ जाता है, ये जो हर एक का ऑप्शन है दादा, ये जो आउटपुट है सराउंड का, सेंटर का, फ्रंट का, सबवूफर का, सबका अलग अलग मिड हाई लो का फंक्शन दिया होता है अलग अलग करके, तो आपको वो मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। मैनुअली एडजस्ट करके यहाँ से भी मैनुअली आप बेस की वॉल्यूम को कम ज़्यादा, बेस क्वालिटी को ज़्यादा कम ज़्यादा करके आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये तो की पहली बात, और दूसरा बात जो है मैं आपको फिर से बता देता हूँ दादा, यहाँ से सिर्फ एम का लाइन यहाँ पर जाता है, ठीक है, फ्रॉम एम, एम से यहाँ पर जाता है, यहाँ से निकलता है,
सिर्फ ये जो है बाईपास करता है, यहाँ पर लेता है यहाँ पर जाता है। तो आप यहाँ पर ना लगा के आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। साउंड क्वालिटी सेम ही आएगा। इसमें क्या है, थोड़ा सा साउंड क्वालिटी क्लियरसन बढ़ता है, थोड़ा सा आपका साउंड का जो नॉइज़ वगैरह है वो थोड़ा सा साफ होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। जिस आदमी को साउंड के बारे में बहुत सारे पता है वो जानता है, ठीक है। थोड़ा सा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इसके अंदर सिर्फ बाईपास है इसका, ठीक है। तो और आपको एक बात मैं फिर से बता देता हूँ, जब आप सबवूफर अटैच करेंगे तो आपको मैनुअली आपको साउंड का बेस को, ट्रिबल को, मिड को आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। आप मैनुअली एडजस्ट करके नहीं बजाएंगे तो फिर आपको क्या होगा, आपका साउंड किसी ना किसी साइड से फट जाएगा। तो आप में इसमें आप एक काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो कि आपका जो सराउंड ऑप्शन है उसका लाइन यहाँ पर दे सकते हो, तो सराउंड यहाँ से आप निकल सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा करके सराउंड आप यहाँ से निकाल लोगे तो क्या होगा, इसका भी आपका अलग सा बेस लो, तापर मिड जिसको बोलता है हाई, जिससे टोन झनकार, वो आप मैनुअली एडजस्ट करके बजा सकते हो, लेकिन साउंड बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसी इसमें प्रोसेस ये है कि दादा आपको खुद ही मैनुअली सेटिंग करना पड़ेगा। और डबल चैनल जो आउटपुट होगा उसके अंदर देखो तो दादा बेस क्वालिटी और भी इंक्रीज्ड होगा। डबल चैनल जो सबवूफर आता है उसके अंदर एक बात है, जो नॉर्मल जो सिंगल चैनल सबवूफर आता है उससे थोड़ा सा बेस क्वालिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा ही होता है, ठीक है, लो लेवल इनपुट। तो दोनों इसमें दोगे तो क्लैरिटी ज़्यादा आएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एम से उसे एडजस्ट करना पड़ेगा दादा। कोई भी सामान को, कोई भी सबवूफर को आप एम के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो खुद ब खुद उसी टाइम पे आपका सेम साउंड क्लियरिटी नहीं देगा, तो आपको खुद ब खुद इसको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले वाला जो गाना था पुराने ज़माने में तो उस गाना में कोई दिक्कत नहीं आता था दादा, साउंड बराबर देते। तो जो अभी का जो ज़माना है, इस ज़माने में दादा बहुत ज़्यादा बेस का गाना चलता है, डीजे चलता है, तो डीजे बेस का गाना में जो उसका बेस लेवल बहुत ही हाई होता है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैनुअली एडजस्ट करके पता है आप चलाएंगे तो साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होगा, बेस को क्वालिटी भी दमदार होगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो था आज के लिए इतना ही। तो बहुत सारे कॉल आ रहे थे तो अलग अलग लोग को दादा कॉल करके समझाने में टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने वीडियो बना लिया। अब इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगा। आप भी कोई रिसीवर, कोई भी एम्पलीफायर किसी से इसे कनेक्ट करेंगे सबवूफर को, तो आपको बेस मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा एम्पलीफायर में, ठीक है। और खुद ब खुद आपका डबल चैनल एम्पलीफायर होगा तो उसके अंदर आपको अलग से दो ऑप्शन मिल जाता है, हाई कट पुश का। तो ये हाई कट और पुश जो है ये आपका मैनुअली एडजस्ट करके बहुत बढ़िया साउंड आप ले सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी आदमी बोले ये जो बाईपास है, ये बाईपास के अंदर कोई फंक्शन नहीं है दादा, ओनली यहाँ से इनपुट लेगा, यहाँ पे देगा, यहाँ पे बाईपास करेगा, ठीक है। इस ऑप्शन है टोटली बाईपास ऑप्शन है, ठीक है। तो ये बात बताने के लिए इस वीडियो मैंने किया। तो नेक्स्ट कुछ दिनों में अच्छा अच्छा सेट आने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। आने वाले दिनों में डीवीडी रनिंग, कैसेट रनिंग सिस्टम आने वाला है, तो उसका अपडेट पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका भाई सुदर्शन, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।